मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी अभी बात उठ रही थी ओरेकल की, आपको ओरेकल का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर एडवांस लेवल नहीं भी जा पा रहे तो ओरेकल आप सीखे रखें, साथ में एमएस एक्सेल सीख के रखें, पीएल एसक्यूएल सीख के रखें, माई एसक्यूएल सीख के रखें, कम से कम कमांड कमांड तो सीखे, क्योंकि ये सारे कमांड मत भूलिएगा, आपको गवर्नमेंट के आईटी एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। आप प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप गए तो उन्हें कुछ ओरेकल के तीन चार कमांड पूछ ली, भाई वो तो ये बात नहीं चल रहा है आप ओरेकल जानते हो। आपने कहा सर मैं तो ओरेकल आपसे देखा ही नहीं, तो क्यों नहीं देखा? आपको कम से कम 15-20 कमांड तो आपको कम से कम आने चाहिए ओरेकल के, या गिरियाल में 10 कमांड तो आप कम से कम रेडी रखे जरूर। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, आपको तैयारी करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप लिखिएगा एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल, आपको एक्सेल और एडवांस एक्सेल सीख के रखना चाहिए, ठीक है? ये सब चीजें युवाओं को बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीजें आप सीख के रखिए कहीं से। एडवांस एक्सेल के कमांड आपको बढ़ने चाहिए, एक्सेल के कमांड बढ़ने चाहिए। रीजन क्या, एक गिरी हालत में अगर आप एक प्राइवेट आईटी प्राइवेट नॉर्मल जॉब में भी अगर आप जाते हैं तो एक्सेल के बिना तो आपकी एंट्री है नहीं, वर्ड के बिना आपकी एंट्री है नहीं, आप जानते हो। लेकिन इसके बावजूद भी कई युवा क्या करते हैं, वर्ड और एक्सेल को ढंग से सीख ही नहीं रहे, बोले सर चलने तो सची बस डॉक्यूमेंट खुल जाता है, चार लाइन लिख लेते बंद कर लेते हैं, तो आपकी बेसिक नौकरी भी क्यों नहीं आपको मिली? अभी जो हाल ही में आप देख रहे हो कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उसका मेन कारण क्या, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर में अपने हाथ पक्के कर दे रखे? तो आपके सॉफ्टवेयर में हाथ पक्के होने से तो वर्ड एक्सेल आप पूरा सीखे। नेक्स्ट आप लिखिएगा डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग यानी डेटा निकालने की आपको तरकीबें आनी चाहिए कि आप डेटा निकालेंगे कैसे, जिसको हम लोग कहते हैं सर्चिंग मेथडोलॉजी। कई लोगों को कहा जाता है कि वो गूगल और यूट्यूब से डेटा निकालना ही नहीं जानते, ये फैक्ट पॉइंट है। कई युवाओं को देखा गया कि गूगल और यूट्यूब से डेटा निकालना नहीं आता, कैसे डेटा निकालना उनको पता नहीं, क्या डेटा निकालना उनको पता नहीं, कई लोग बहुत अच्छा डेटा निकालते गूगल यूट्यूब से। तो आप क्या करें, आप डेटा माइनिंग मेथडोलॉजी में क्या करें, डेटा को निकालना सीखें, मतलब का डेटा कितनी जल्दी आप निकाल सकते हो, कितनी जल्दी मतलब की वीडियो निकाल सकते हो, ये आपको करना आना चाहिए। तो आप डेटा माइनिंग मेथोडोलॉजी में तेज बनिए, क्योंकि डेटा अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो बड़ी दिक्कत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लिखिएगा नेटवर्क सिक्योरिटी, आप पीसी का यूज करते हैं, लैपटॉप का यूज करते हैं, आप मोबाइल का यूज करते हैं, अपने डिवाइस का नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए तो आपने कभी सोचा ही नहीं, कोई आज तक आपने कभी सिक्योरिटी के लिए कोई आपको पता भी कौन सा आपसे सिक्योर होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर डाले तो सिक्योर होगा, सिर्फ एंटीवायरस के अलावा आपको ज्यादा पता नहीं, कई लोगों को तो फायरवॉल तक नहीं पता कि फायरवॉल क्या होते हैं, ये भी देखा जाता है। तो युवाओं से मेरी यहाँ पे एक अपील है कि आप क्या करें, आप जितनी भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स आज निकल रही है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आप जब जॉब करेंगे तो आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी आपको तो करनी है। अगर आपका कंप्यूटर हैक हो जाए तो बॉस तो आपको फायर करेगा कि आप कर क्या रहे थे, आपको क्या अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी भी नहीं आती क्या, आपको क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है? इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल ब्लॉग्स पढ़े, टेक्निकल चैनल्स देखे, इंस्टा में, यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, हर जगह ग्रुप्स आजकल मिलते हैं, आप उन ग्रुप से जुड़ के टेक्निकल नॉलेज क्या करें और लीजिए सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी के बहुत सारे टेक्निकल चैनल्स हैं दुनिया में, तो आप उनसे जुड़ के सिक्योरिटी सीखिए कि और क्या क्या सिक्योरिटी आप नए नए हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट आप लिखिएगा मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी ध्यान रखना डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो? बेसिकली मार्केटिंग से आप सोचते हो कि रास्ते में खड़े होकर पर्चा बांटना, पर ऐसा नहीं मार्केटिंग, आपको स्वयं की मार्केटिंग भी तो करनी आनी चाहिए। क्या आपको आज दुनिया जानती है? क्या आपके नॉलेज लेवल को दुनिया जानती है? क्या आज लोग ये जानते हैं कि आप किसी सेक्टर में बहुत अच्छे हो? इसका रीजन क्या है? आपने खुद की मार्केटिंग कहा थी, आपने सोशल मीडिया में मार्केटिंग नहीं करता, हमने कहते कई बार का फेसबुक में अभी ज्ञान को आप शो करें, व्हाट्सएप पे शो करें, इंस्टा में शो करें, ठीक है? साथ ही साथ आप अपने एक लॉ कोडेड वेबसाइट बना के, छोटा सा एक बनी की वेबसाइट बना के शो करें, यूट्यूब में वीडियो डालें, ठीक है? तो आप लोग को ये कह रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग करने से क्या होता है, कोई बंदा हो सकता है कि आपने बेहतर ऑफर दे दें। आज यहाँ पे आप 6-7 हजार रुपए की जॉब का सोच रहे हो, कल हो सकता है कि आपको 6-7 लाख रुपए का भी कोई ऑफर दे दे अगर आपके पास हुनर है और लोग आपके बारे में जानते हैं, ठीक है? बड़े महानुभावों के ध्यान का युवा